बंगाली काम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बंगाल से। तो आप यहाँ क्लीनिंग चला रहे हैं, आपके पास कोई डिग्री है? कोई डिग्री नहीं। तो फिर आप क्लीनिंग किस बेस पे चला रहे हैं? भाई देखिए, जब बेस पे सब चला रहा था, हम चला रहे थे, हमारा कौन तक है भाई? कौन चला रहा, नाम बताइए। बहुत एक्टर है भाई यहाँ का, लीजिए हम तो नाम देते हैं, नाम बताइए। भाई बहुत है यहाँ, तो ऑपरेशन तक करते हैं सब बिना डिग्री वाला। अब जी उधर पीछे है नहीं, उधर देखेंगे। अभी देखा जाएगा जो और है वहाँ देखा जाएगा। ठीक है, हमारे पास कोई डिग्री नहीं, जो करना था। ठीक सर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ये लॉकडाउन लगाया गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का जो इस समय बढ़ने का रेशियो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और हालांकि अपने उत्तर प्रदेश में स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया है, तो इसमें जनता को सहयोग करना चाहिए और जनता सहयोग कर भी रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बीमारी बढ़ेगी तो अपने यहाँ थोड़ा सा अभी संसाधनों का अभाव है, तो अगर जनता सहयोग कर रही है, प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है, हमारे राजस्व के कर्मचारी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, सरकार पूरा साथ दे रही है, हॉस्पिटल के डॉक्टर पूरी तरीके से आपकी सहायता के लिए तैयार हैं, 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, थाने के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा रहे हैं और सारे नियमों को और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उस पर जो है जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो जनता का ये फर्ज बनता है कि इस समस्या जो आई है देश में, इस समस्या से निपटने के लिए जो भी उनसे सहयोग बन पड़ता है वो सहयोग करें, और इसमें सबका हित है और इसी में देश के सुरक्षित भी है। और किसी बात को अन्यथा न लें, अगर कोई अधिकारी आपको मास्क लगाने के लिए कह रहा है, सैनिटाइज करने के लिए कह रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए कह रहा है, या जो किसी अन्य तरीके गाइडलाइन जो भी गवर्नमेंट द्वारा जारी हो रही है।